ये दोस्तों पावर ग्रिड में जो आपका जूनियर टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम जो है 7 फरवरी को बुधवार को जो है आयोजित किया गया था। तो इसका आपको पता है आंसर की जो है आउट हो गई थी और जो है अब जो है आपकी जो है इसका जो है इलेक्ट्रिशियन वालों का रिजल्ट जो है जारी होने जा रहा है। जी बिल्कुल सही समझ गए। अगर आप एक न्यू वैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कट ऑफ जो है क्या रहेगी, कौन से कैंडिडेट जो है DV के लिए जा पाएंगे, वही मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्ज़ाम आपका हो ही चुका है, अब जो है आपका ट्रेड टेस्ट एंड DV होगा। तो इसमें जो है आपको कौन कौन से कैंडिडेट ही आगे जा पाएंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो दोस्तों ये जो है जो है आपका 9 तारीख को जो है ऑफिशियल साइट का नोटिस आया कि था कि आपके आंसर की जो है 12 तारीख को यानी कि 12 फरवरी से लेकर जो है आपकी जो है अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो 14 फरवरी तक जो है लिंक जो है एक्टिव रहेगा। कुछ कैंडिडेट ने जो है ऑब्जेक्शन भी रेज किए होंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन रेज किए होंगे जिन कैंडिडेटों ने, तो सीधी सी बात है फाइनल आंसर की जो है आएगी फिर, ठीक है, और फिर जो है रिजल्ट भी आएगा। अगर कैंडिडेटों ने जो है ऑब्जेक्शन जो है रेज किए हैं तो 100% इसकी फाइनल आंसर की भी जो आएगी, अगर नहीं किए हैं तो इसकी फाइनल आंसर की नहीं आएगी, रिजल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं रिज़ल्ट की बात कर लेती हूँ। तो देखो जो फाइनल आंसर की आती है वो तो अभी जो है 3-4 दिन में जो है आपकी आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट आपका कब आएगा वो मैं बताने जा रही हूँ। और कौन कौन से कैंडिडेट जो है आगे जा पाएंगे यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही डाटा जो है मैंने जो है सारा सर्च करके बनाया है ये डाटा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या जो है रहने वाली है। क्योंकि देखो दोस्तों ये डाटा मैं इसको जो है स्क्रॉल कर देती हूँ, ये रही ये जो है जो आंसर की आई थी उसके बाद मैंने जो है कट ऑफ जो है बनाई है। तो आप ध्यान देना जो कट ऑफ बनाई है वो सीट के अकॉर्डिंग ही बनाई है, मैंने एक एक चीज़ को जो है बहुत जो है एनालिसिस किया तब मैंने कट ऑफ जो है बनाई है। देखिए नॉर्थ रीजन में आपकी 15 थी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी UR की जो है 120 रहेगी, OBC की 105 रहेगी और SC की 85 रहेगी। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था TKT दोस्तों वो आपका 120 का था और एप्टीट्यूड टेस्ट जो था वो आपका 50 नंबर का था, तो टोटल कितना हुआ 170 का हुआ। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है देखिए मैंने जो है कट ऑफ जो है बनाई है, ठीक है, इससे ज़्यादा जो है नहीं जाएगी। नॉर्थ रीजन 1 की है, नॉर्थ रीजन 2 की देख लीजिए, नॉर्थ रीजन 2 में जो है आपकी जो थी वो 30 के करीब थी, तो UR की जो है 110 जाएगी, OBC की 95 और SC की 84 रहेगी, ठीक है। और नॉर्थ रीजन 3 की जो है UR में जो रहेगी वो आपकी जो है 105 रहेगी, क्योंकि इसमें जो सीट थी लगभग 45 के करीब थी, तो OBC की 95 रहेगी और SC की जो है 80 रहेगी। वहीं मैं जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करूं तो इसमें लगभग जो थी वो 40 थी, तो इसमें जो UR की रहेगी वो 103 रहेगी, OBC की 97 रहेगी, SC की 84 रहेगी। जिसकी भी जो है दोस्तों सीट कम रहेगी ना उसकी जो है कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, और जिसकी जो है कट ऑफ जो है जिसकी जो है सीट ज़्यादा रहती है उसकी कट ऑफ हमेशा जो है कम रहती है, ये चीज़ आपको पता होगी। ईस्ट रीजन 1 की जो है मैं बात कर लेती हूँ तो ईस्ट रीजन 1 में बस 08 थी यानी कि 8 ही थी, तो UR की 125, OBC की 115 और SC की जो है 95 रहेगी। वहीं मैं इस रीजन 2 की बात करूँ तो इसमें लगभग जो है 10 थी, तो UR की 120, OBC की 118 और SC की 99 रहेगी। और इस रीजन 3 थी ही नहीं, उसमें कोई सीट सीधी थी, साउथ रीजन 1, साउथ रीजन में UR की 117 रहेगी क्योंकि इसमें जो थी वो 20 के करीब थी, OBC की 98 रहेगी यानी कि 98 और SC की 84 यानी कि 84 रहेगी। साउथ रीजन 2 की बात करूँ, साउथ रीजन 2 में थी 30 के करीब, तो यहाँ UR की 102 रहेंगी, OBC की 93 रहेगी और SC की जो है 81 रहेगी। वेस्ट रीजन 2 की मैं बात करूँ, ठीक है, क्योंकि साउथ रीजन 3 नहीं था, वेस्ट रीजन 2 था, 1st भी नहीं था ना ही 3rd था, तो वेस्ट रीजन जो आपका 2 था इसमें बस 5 सीट रही, तो UR की जो है 130 रहेगी, OBC की 115 और SC की 98 रहेगी। ये दोस्तों ये तो रहेगी आपकी कट ऑफ। चलिए मैं बात कर लेती हूँ रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट जो है लगभग जो है 1 मंथ बाद आता है, तो ये रिज़ल्ट जो है आपका 20 मार्च के जो है आसपास ही जो है रिज़ल्ट आएगा, 1.5 मंथ से पहले जो है आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। अभी जो है PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी वाले भी रिज़ल्ट कंपनी का जो है वेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनका भी उनका रिज़ल्ट पहले आएगा आपका बाद आएगा। फाइनल आंसर की मैंने बताई दी है, फिर जो आपका रिज़ल्ट आएगा। DV की मैं बात करूं तो DV के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लेके जाना है वो बताऊंगी। पहले रिज़ल्ट आने दो, फिर जो है DV डेट को भी बताऊंगी कब तक जो है DV की डेट जो आ जाएगी। उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक करके प्लीज़ दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।